हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आसाम फ्लड्स 2019 के बारे में। रिसेंटली जुलाई 2019 को आसाम में हर साल की तरह फिर से फ्लड्स आ गए, कई लोग मारे गए, हज़ारों लोग बेघर हो गए और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस सब के बीच में हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर आसाम फ्लड्स को इतनी कवरेज मिलती नहीं है, सैड बात है। मगर एज ए कंट्री वी ऑल स्टैंड विद आसाम, और आप अगर चाहें तो आप आसाम की हेल्प करने के लिए डोनेशन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है cm.assam.gov.in रिलीफ फंड। ये आप टाइप करके इस वेबसाइट पर जाके हेल्प कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं आसाम के रिलीफ फंड के लिए। ये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है। उसके अलावा ये लिंक आपको माई गव आसाम के ट्विटर हैंडल पर भी मिल जाएगा। मेक श्योर के ऑथेंटिक ट्विटर हैंडल हो। नाउ अगर आप ये सब नहीं कर सकते तब भी आप प्रे कर सकते हैं, होप कर सकते हैं कि यहाँ पे लॉसेस कम से कम हो और लोग ओवरऑल फिर से ये जो बहुत ही बड़ा फ्लड का सिनेरियो आया है इससे ओवरकम कर पाएँ। नाउ आसाम में बेसिकली कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, किस तरीके से अगले साल इसके लिए हम बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, और आसाम में बेसिकली हर साल फ्लड्स आते क्यों हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। सो डेफिनेटली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, StudyIQ के पेनड्राइव कोर्सेज आप खरीद सकते हैं studyiq.com पे, या फिर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आसाम और बिहार में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है बिकॉज ऑफ फ्लड्स। बिहार के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बिहार के जो फ्लड्स हैं उनका जो सोर्स है वो नेपाल से आता है, आसाम के फ्लड्स का सोर्स ब्रह्मपुत्र है। तो दोनों टॉपिक्स को मैं इकट्ठा एक वीडियो में कवर करना नहीं चाहता था। नाउ अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम में 20 लोगों की मौत हो चुकी है बिकॉज ऑफ फ्लड्स। अब तक 52 लाख लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हो चुके हैं इस फ्लड की वजह से। 52 लाख बहुत ही बड़ा नंबर है। 4620 गांव में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया है। आसाम की 33 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से 31 डिस्ट्रिक्ट्स ने इस फ्लड का इम्पैक्ट फील किया है, और ऑफिशियल्स ने यह भी बताया है कि आसपास के जो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, वहाँ पर भी करीब 11 लोगों की मरने की खबरें आ रही हैं। नाउ जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसमें सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट है बारपेटा का। ये मैं आपको ज़रा मैप पर दिखा देता हूँ। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसाम में जो बुरी तरीके से यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं, एक है गोलपारा और दूसरा है बारपेटा। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और यहाँ पर आप देखेंगे ये है आसाम। ऑलराइट, दिस इज आसाम। और ये जो आप यहाँ पे नदी देख रहे हैं ब्लू रंग की एक नदी जा रही है, यहाँ से चाइना से होते हुए, तिब्बत से होते हुए थ्रू अरुणाचल प्रदेश इंडिया में एंटर होती है, फिर आसाम से गुजरती है, फिर बांग्लादेश में जाती है। दिस इज़ ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्रा रिवर। नाउ जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना, यहाँ पे जो ये इसका अपस्ट्रीम रीजन है आप कह सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बार रेन बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है। बेसिकली होता क्या है कि देखो, इंडिया का जो मानसून है जो साउथ से लेकर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, काफ़ी बार नॉर्थ ईस्ट में जब हमारा मानसून रुकता है यहाँ पे एक्सटेंसिव रेन होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। और पिछले कुछ सालों में देखा गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे जैसे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर इवेपोरेशन बढ़ रहा है, तो क्लाउड्स और ज़्यादा पानी अपने पास रखते हैं, तो इवेंचुअली जब यहाँ पे माउंटेनियस सीजन में वो पहुँचते हैं और एक जगह रुक के वो जब बारिश करते हैं तो पहले जो बारिश होती थी उससे 33 से लेकर 40% अब ज़्यादा बारिश होती है। जब बारिश ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा का जो अपस्ट्रीम का रीजन है यहाँ पर पानी और ज़रा भर जाएगा, और उससे सीधा पानी जो नीचे आता है उससे बहुत सारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं आसाम और वेरियस और स्टेट्स की, वहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रक्शन मचती है। ना जो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बता रहा था बारपेटा की, ये आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। ये है बारपेटा यहाँ पे, और इसके साथ में ये है गोलपारा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे ये थ्रू सैटेलाइट इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ गया है, और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी पानी भर चुका है, हज़ारों लाखों लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट हमको करना पड़ा। नाउ एक और मैं कहूँगा बहुत ही ज़रा सैड इंसिडेंट यहाँ पर ये भी हुआ है, ब्रह्मपुत्रा के बहुत ज़रा करीब आपको दिखेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ये काजीरंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। वन हॉर्न राइनोसरस आपको यहाँ पे मिलेगा, उसके अलावा बहुत सारे और रेयर एनिमल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऑफिशियल्स के अनुसार करीब 95% काजीरंगा नेशनल पार्क में फ्लडिंग हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र का जो पूरा पानी था यहाँ पे इस नेशनल पार्क में फैल चुका है। 4 राइनोसरस की मरने की भी खबर आई है। राइनोसरस आपको पता होगा
IUCN की रेड लिस्ट में, वनरेबल की श्रेणी में आते हैं, तो वेरी सैड, बहुत ज़्यादा सैड बात है। इससे आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन कितनी मची है। सैड बात यह है कि हर साल होता है, इसको हम हर साल देखते हैं और इट ऑलमोस्ट फील्स हेल्पलेस। इस साल मैं ये कहूँगा 2019 का जो फ्लड है ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन पिछले साल से ज़्यादा हुई है। नाउ ये भी मैं मेंशन कर दूं कि काजीरंगा नेशनल पार्क में रेनोसरस के अलावा 17 और जानवर भी यहाँ पे मर गए हैं इन द लास्ट 2 डेज। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ फ्रॉम एग्ज़ाम परस्पेक्टिव एज वेल। नाउ इस सब के बीच में ऑफकोर्स एक मैं कहूँगा, आशा की किरण की तरह हमेशा इंडियन आर्मी अपना काम कर रही है। हज़ारों लोगों की इवैक्यूएशन में इंडियन आर्मी ने काफ़ी हेल्प करी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जबकि दे आर नॉट रियली मेंट टू डू दिस, मगर फिर भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, विच इज़ ऑलवेज क्वाइट नाइस। नाउ अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि आसाम में फ्लड्स हर साल क्यों आते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो फ्लड्स हम देख रहे हैं इट इज़ कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग आगे बढ़ती रहेगी, धरती का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। एस्टिमेट किया गया है कि जो एक्सट्रीम रेनफॉल है उसके चांसेस 40% बढ़ जाएंगे, ना सिर्फ आसाम में बहुत सी और जगह पे जहाँ पे हमको एक सर्टन लिमिट में बारिश चाहिए होती है उससे ज़रा बारिश होगी। तो ये काफ़ी हद तक डिस्ट्रक्टिव है। क्यों डिस्ट्रक्टिव है? क्योंकि इससे एग्रीकल्चर पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी के लिए देखो क्या हुआ है, आपने सुना कि ठीक है 20 के आसपास लोग मर गए, ठीक है लाखों लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, ऑल राइट। उस सब के अलावा आप सोच कर देखिए, जब इतना पानी हर जगह फ्लड कर चुका है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता होगा, तो लोगों की जो फसलें थी, फार्मर्स की फसलें, वो बर्बाद हो चुकी है। पानी अगर बिल्कुल ना मिले तब भी फसल बर्बाद हो जाएगी, पानी बहुत ज़्यादा मिल जाए तब भी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक और रीज़न मिल गया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की इम्पोर्टेंस को समझने का, और US जिसने वहाँ पर पुल आउट किया है वो कितना डिजास्ट्रस डिसीजन था, वो भी आप इसको अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे। नाउ क्लाइमेट चेंज के अलावा फ्लडिंग का एक और बहुत ही बेसिक रीज़न ये है पॉपुलेशन का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखो तो वहाँ पे आबादी सबसे ज़्यादा बड़ी है कंपेयर टू ऑल द रीजन्स इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के इंडिजिनस लोगों ने वहाँ पर काफ़ी रिप्रोडक्शन करी है, रीज़न है इलीगल इमिग्रेशन और ओवरऑल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। बहुत से लोग बांग्लादेश से हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आ गए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे आबादी ऑलरेडी काफ़ी तक बढ़ गई है। उससे ऑब्वियसली क्या होगा कि जो वेटलैंड्स हैं वो गायब हो जाते हैं, लोग लैंड ऑक्यूपाई कर लेते हैं और पेड़ भी कटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे ऑफकोर्स जो और एडवर्स इम्पैक्ट होगा फ्लड्स का वो और बुरी तरीके से महसूस होता है। आसाम गवर्नमेंट ने अभी के लिए कुछ कदम लिए हैं पिछले कुछ सालों में टू कंट्रोल द फ्लड्स, मगर वो एक सर्टन लेवल तक ही काम करते हैं। एक टाइम पे पानी इतनी पावरफुल फोर्स है कि आप देखोगे US ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में वहाँ पर भी जब फ्लड आता है तो वो कुछ कर नहीं पाते, पानी सब कुछ बहा ही देता है। तो अभी के लिए देखो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास कुछ एम्बार्कमेंट बनाई गई है, मतलब कि कुछ रुकावट, कुछ सीमेंट्स है, कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए हैं ताकि जो वहाँ पर घर हैं उनकी तरफ पानी ना जाए, मगर एक टाइम पे जो एम्बार्कमेंट होती है वो भी टूट जाती है बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर। उसके अलावा ड्यूरिंग मानसून द आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड NGOs आइडेंटिफाइड ड्राई लैंड्स इन अपर रीजन्स एंड ऑर्गेनाइज शेल्टर फॉर पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज। तो इसकी वजह से भी जो डेथ टोल है काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कम है। अगर ये जो काम है आसाम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ना करती, बाय द वे आसाम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी रिसेंटली बनाई गई है सन 2010 में, ये भी ज़रा पुरानी नहीं है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि बारिश से पहले देख लेते हैं कि कहाँ पर ड्राई एरिया है, कहाँ पर जो लो लाइंग रीजन है वहाँ पे लोगों के घर हैं उनको हटाना स्टार्ट कर देते हैं, उससे काफ़ी लोगों की जान यहाँ पर बच जाती है। ना उसका सोल्यूशन क्या है, क्लाइमेट चेंज को रुकना तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, वो भी रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा उसमें काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मगर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखो एक बहुत ही बेसिक यहाँ पर सोल्यूशन होगा वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, वेटलैंड्स बेसिकली वो जगह होती है जो ड्राई लैंड और जहाँ पे बहुत ज़रा पानी है, बेसिकली इस एरिया का जो बीच का एरिया होता है उसको हम कहते हैं वेटलैंड। जो रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड है जिसका इंडिया भी सिग्नेटरी है, उन्होंने वेटलैंड्स को ऐसे डिस्क्राइब किया है, वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्शेस, फेंस, पर्ल एंड ऑफ वाटर, नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट एंड टेम्परेरी विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग और सेलाइन, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed 6 meters। तो basically एक ऐसा area जहाँ पर आपको
ज़मीन और पानी का एक इक्वल बैलेंस मिले, वैसा एरिया जो वेटलैंड होता है ना, एक तरीके से स्पंज का काम करता है, ठीक है। वेटलैंड्स एक्ट लाइक स्पंज, स्पंज बेसिकली पानी को सोख लेता है। उसी तरीके से अगर मान लो फ्लड का पानी ब्रह्मपुत्रा से बहुत ज़रा आ रहा है, तो अगर ब्रह्मपुत्रा के आसपास हम वेटलैंड बना देते हैं, उससे क्या होगा कि वेटलैंड काफ़ी सारा जो फ्लड का पानी है उसको सोख लेंगे, उससे डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये हम एक काम कर सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, और इवेंचुअली हमको वेटलैंड्स पर ही काम करना होगा। फॉर द टाइम बींग दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। उसके अलावा ऑफकोर्स आप एम्बार्कमेंट बना सकते हो, मगर एम्बार्कमेंट की भी लिमिट होती है। एम्बार्कमेंट आप कितनी बना लोगे, एक टाइम पे पानी का लेवल, पानी की फोर्स इतनी ज़्यादा होगी कि वो एम्बार्कमेंट को भी तोड़ देगा। तो इन सब चीज़ों पे हमको फोकस करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो इवेंचुअली ऐसे जो फ्लड्स हैं ये और ज़रा बदतर होते रहेंगे, और हो सकता है कि हम काजीरंगा नेशनल पार्क को भी इवेंचुअली खो दें। उम्मीद करता हूँ ना हो ऐसा, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा, कुछ आपने नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज God bless you all.